नहीं आ रहे यार ये तो बकरे। हाँ ये अभी आ रहा है, क्या बोल रहे हैं इसका, क्या बोल रहे हैं? तो गाइस देखिए ये दो एक जोड़ी है जो कि प्लस 100 प्लस की जोड़ी है और इसका फ्रेम देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बकरे की क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से व्यापारी ने इसको तैयार करके यहाँ पे। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके और मेरे चैनल पे जिसका नाम है अश्मीरा व्लॉग्स। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज मैं पहुँचा हूँ हम लोग के यहाँ पर की मंडी में, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने सबसे सस्ता बकरा दिखाया था। आज फिर से एक बार मैं मुंबई के सबसे सस्ते बकरे दिखाने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक बनी रहिएगा। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर बाड़े में तकरीबन नदीम भाई ने 200 बकरे उतारे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन सस्ते बकरे दिखाने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो नदीम भाई फिर से एक बार आपका स्वागत है अश्मीरा ब्लॉग्स में। तो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या बोलते हैं इस बार कितने बकरे लेकर आए हो? 200 बकरे पास। और कौन कौन सी क्या क्या लेकर आए? सब मिक्स आपके पास, सब हर क्वालिटी मिलेगी। मिक्स में क्या क्या है? मिक्स में देख लो भाई, अंदर पूरा दिखा दो, लाट पूरा अपना भारी बकरों का तैयार है। ये तीन बकरे देखो। हाँ ये दिखाया मैंने, ये दोनों भी माशाल्लाह बड़ी रेंज का बकरा है, वाकई में 100 प्लस है। क्वालिटी भाई अपने मालूनी में किसके पास नहीं होगा। हाँ और पहले तो ये बताइए कि जो लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग बताया था उससे आपको कितना फायदा हुआ? बहुत पब्लिक आई थी, दूर दूर से आई थी भाई, बोलो भाई वो वाला बकरा दो, ये वाला दो, आज अंदर आ जाओ दिखा दो। हाँ तो तुम्हारे पास सबसे पहले अपनी शुरुआत करते छोटे बकरे से, छोटे बकरे, हाँ छोटे बड़े बच्चे से शुरुआत करते। क्या बोल रहे, कितने दांत पे? दो दांत पे। कितना बोल रहे? हाँ 30 से 35 के अंदर हो जाएगा। 30 से 35 नेगोशिएबल? हाँ नेगोशिएबल। ठीक है चलो दूसरा बताओ। सिरोही? फ्रेम में भी नहीं आ रहे यार ये तो बकरे। हाँ ये अभी आ रहा है, क्या बोल रहे इसका, क्या बोल रहे? 40 से 45 के अंदर। तुम्हारे पास स्टार्टिंग बकरे शुरुआत कितने से लेकर कितने तक है? अपने पास है 25-30 से लेकर 50 तक। 25-30 से लेकर 50 तक। और वेट पे पर क्या शुरुआत? भाई बाहर वो जो 100 के ऊपर थे उसमें भी है 70-80 प्लस ही है। ठीक है दिखाओ ये कोई, हाँ ये दिखाओ, ये ऊपर जो छोटा दिख रहा है ये इसका क्या बोल रहे? बकरी है। बकरी है क्या? ये बकरी की बाल कर ले लिया भाई, इस लेके आ गए, इसी आ गए लौट कर। और ये क्या बोल रहे? हाँ क्या बोल रहे इसका? इसका भाई वही 40 से 45। 40-45 तो भाई जैसे देख सकते हैं आप, इसमें सारी की सारी अजमेरा सिरोही ब्रीड मिक्स है। और दिन खुद सेलेक्ट करके लेके आते हैं अलग अलग टुकड़ा, ना सब हाथ से देख के लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिए कुछ भी डाल दिए। तुमने ये बकरा कहाँ से उठाए? ये अपना अजमेर के समझो ना, 100 किलोमीटर अराउंड चारों तरफ भाई 12 दिन घूम रहे थे वहाँ पर, तो वो पूरे जंगल में से जंगल के व्यापारी से किसानों से खरीदे हुए, सब किसान लोग थे और खटिक लोग उन लोग। अच्छा ये क्या बोल रही है? ये वाला भाई 40-45। ये क्या बोल रहे? उसका भी भाई 30-32 हज़ार रुपये। ये एक बड़ी फ्रेम का बकरा है, कुछ 90 किलो के आसपास बिक गया, 45 बकरे भाई बिके हुए। अच्छा तो क्या नग पे दे रहे क्या बाबू? नग पे दे रहे, नग पे दे रहे। और क्या भाई कोई किलो के हिसाब से मांग रहे? किलो के हिसाब से नहीं, वो मगजमारी नहीं भाई, कांटे पे चढ़े फिर कम ज़्यादा हुए। हाँ वो सब नहीं, अपना जो है सामने देखो जानवर। ये एक मेंढा भी है तुम्हारे पास, क्या बोल रहे इसका? जो 20 में उठाइए, ये मेंढा 20,000 रुपये बोल रहे। लेकिन भाई उदन बच्चा है, उदन बच्चा, उदन बच्चा है, दांत नहीं है, दांत नहीं है वो, मतलब अच्छा लगा था वाइट था एकदम, ये तो अभी सबके बीच में गंदा हो गया। हाँ वो वाइट था तब उसको पसंद कर लिया। ये एक फ्रेम में, इसका फ्रेम बहुत अच्छा है, क्या बोल रहे इसका? सी अजमेरी का ये
फाइनल 42,000 रुपये। क्या क्या वेट पे होगा ये? 80-90 हज़ार रुपये। और ये अलवेरी है ना, क्या बोल रहे हो अलवेरी का जा रहा है? 35,000 रुपये। इसका क्या बोल रहे हैं ये? इसका भी वही 35-37। 35-37। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर आप पीछे मेरे पीछे मैं पूरी बकरी की मंडी में यहाँ पर आ चुका हूँ। और इस बार बकरे नदीम भाई ने मेरे हिसाब से जो थे पहले जो दिखा रहे थे बकरे वो थोड़ा सा पैसा हाई बता रहे थे। क्वालिटी बात है, बस क्वालिटी बात। हाँ, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा था, इस बार पैसा कम है। क्यों लास्ट टाइम में कितना फायदा हुआ था? फायदा तो नहीं हुआ था, लगभग हो गया था, क्योंकि लास्ट में बारिश में थोड़ा मसला कर दी थी। इस बार ग्राहक को रवैया और क्या बोला, ग्राहक भाई अच्छा पकड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट मेरे आधे बकरे बिक चुके हैं, क्योंकि मार्केट में माल नहीं है, क्वालिटी माल तो शायद मालवनी में किसके पास? हाँ, मालवनी में तो नहीं है। मेरा खुद का दो तीन दिन दोनों घुमा, उसके बाद आके मेरे से वाला बकरा लेके गया, वो दोनों एक बकरा लेके गया, वो एक अंदर है। अच्छा, तो एक बार एड्रेस फिर से बता दो। अपना मालवनी 7 नंबर मस्जिद के पीछे, मस्जिद समझा मॉडल के पीछे ही है। तो यहाँ पर जितने भी बकरे हैं देखो, अलवर होगा, यहाँ पर सिरोही है, यहाँ पर अजमेरा है, और एक मेंढा था लेकिन उसको पाल लेंगे। और देखो खूबसूरती देखनी है बकरे की, तो गाइस देखिए ये एक खूबसूरत देखो, और बकरे सारे के सारे एक्टिव है, सारे के सारे बकरे एक्टिव है। जब लाए थे थोड़े से सुस्त हो चुके थे, तो इसीलिए दो दिन का ट्रैवल है उधर अजमेर में, गर्मी हमारे 48/46, तुम्हारी भी हालत देखो, हालत क्या हो गई है, काज तुम देख रहे हैं। हाँ, नहीं क्या, नहीं मैं गुजरात अभी गया था, तभी भी हालत मेरी 48 थी, तो अजमेर में तो उससे हाल था। तो अब बकरे एकदम खा पी एकदम दुरुस्त हो चुके। मैं बता, वो एक बार खाली वो दो जोड़ी बाहर निकाल के दिखाओ, बाहर वाली जो 100 प्लस है ना, वो दो जोड़ी दिखाओ। तो गाइस देखिए ये दो एक जोड़ी है जो कि प्लस 100 प्लस की जोड़ी है, और इसका फ्रेम देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बकरे की क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से व्यापारी ने इसको तैयार करके यहाँ पे भेजा है। अब बताइए ये दोनों जोड़ी का भाव क्या बोलते हैं आप? ये तो भाई मेरा एक दोस्त ये वाला खरीद के गया, 2-3 दिन देवनार घुमा, हाँ। उसके बाद आके फिर बोला भाई तेरे पास बकरे अच्छे, हाँ। उसने अभी ये वाला लेके गया, अभी एक बचा ये वाला। क्या बोल रहे हैं इसका? इसका भाई 50,000 रुपये लास्ट फाइनल, इसके ऊपर 1 रुपये भी नहीं, इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत समझ लेंगे। अच्छा ठीक है, तो गाइस देखिए ये मेरे हिसाब से देवनार के भाव के हिसाब से बाकी कम दिखा रहा है। 100 kg का 500 रुपये का भाव लगा है भाई, 500 रुपये का। ये बकरे और वजन पे थे भाई, वो तो वो ट्रैवलिंग में 5-6 किलो टूट जाते, लेकिन वाकई में इस बार माशाल्लाह आपने बेहतरीन बकरे उतारे हैं। और गाइस एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताना तो 9892380545 मेरे भाई का है, 9930111 6 नदीम भाई और फहीम भाई। अगर आपको भी बकरा लेना है मालवनी से, आप मुंबई में कोई भी किस हिस्से में हो, आपको डिलीवरी यहाँ से आराम से मिल जाएगी। नज़दीकी यहाँ पे टेम्पो की सुविधा रहती है, रिक्शा मिल जाएगी, कैब मिल जाएगी, आपको जो करके भी दे देंगे, चलो करवा भी देंगे, हाँ वो भी मिल जाएगा। और आपको लेकिन आपको मुंबई में कहाँ पे भी जाना हो उसकी डिलीवरी आपको, मतलब आपको यहाँ पर आना पड़ेगा लेने के लिए, बकरा पसंद करना पड़ेगा, डिलीवरी आपको घर तक करवा के दे देंगे, और उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। चार्जेस डिलीवरी चार्जेस अवेलेबल नहीं है, तो चार्जेस आपको वो पे करने पड़ेंगे, अवेलेबल करवा देंगे हम। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि फैसिलिटीज आपको अवेलेबल करा के दे सकते हैं। तो गाइज अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन अश्मीरा ब्लॉग्स, बाय।